अमृत काल में प्रवेश किया है। अमृत काल के सुखद संजोग भी हम सबके सामने देखने को मिले हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वर्तमान में, दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज भारत वैश्विक मंच पे है, तो दुनिया के उन 20 बड़े देशों की जिनकी दुनिया की 60% से अधिक आबादी जहां रह रही है, 75% से अधिक पेटेंट पर जिनका एकाधिकार है, 75% से अधिक ट्रेड पर जिनका अधिकार है, 85% से अधिक GDP पर जिनका दुनिया के अंदर अधिकार है, और 90% से अधिक इनोवेशन और रिसर्च और पेटेंट पर जिन देशों का अधिकार है, वह देश G20 के देश कहलाते हैं। उन G20 के देशों की वर्तमान में अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है, और भारत के लिए आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ये उपलब्धि कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। वैश्विक मंच पर भारत को अपने आप को दिखाने का, अपनी सामर्थ्य को दिखाने का एक नया अवसर प्रदान करता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के समिट के लिए देश के सभी राज्यों को भी अवसर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी G20 के उस समिट होने हैं, जिनमें वाराणसी भी 6 मीटिंग्स वाराणसी में होनी है, 3 लखनऊ में, 1 आगरा में और 1 गौतम बुद्ध नगर जनपद में। 11 जो समिट है उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होने हैं। इस अवसर पर आतिथ्य सेवा के साथ साथ अपनी मजबूत उपस्थिति वैश्विक मंच पर दिखाने का एक अवसर न केवल भारत को बल्कि उत्तर प्रदेश को भी प्राप्त होगा, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं। एक और G20 के समिट के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त होगा, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे पंख लगाने के लिए हम लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया है। आज इस फील्ड से जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी वे महानुभाव हैं जिन्होंने फार्मा के क्षेत्र में कुछ नया किया है, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि उत्तर प्रदेश ही आए। उत्तर प्रदेश असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की अपनी स्पीड की अपनी पॉलिसी है, और इसके लिए प्रदेश ने अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना शुरू किया है। हमने NCR के पास यमुना अथॉरिटी में एक मेडिकल डिवाइस पार्क के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, और भारत सरकार ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए वहां पर हम लोगों ने लगभग 350 एकड़ भूमि पर इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। भारत सरकार से इसमें हम सबको अपनी आवश्यक स्वीकृति मिल चुकी है, इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ललितपुर में बल्क ड्रग पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को भी लगभग 2000 एकड़ लैंड में हम इस पार्क के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे दुनिया के सबसे बड़े बाजार में सस्ता मैन पावर है, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और लैंड बैंक प्रचुर मात्रा में है, हमारी इस फील्ड की अपनी पॉलिसी भी है, और एक सुरक्षित वातावरण में उत्तर प्रदेश के अंदर इस फील्ड में कार्य करने के लिए हम सब यहां पर देख सकते हैं। मेडिटेक पार्क के समीप जेवर में ड्रग फार्मुलेशन पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर विचाराधीन है। लखनऊ में बायो फार्मा डायग्नोस्टिक और बायोटेक पार्क की स्थापना भी प्रदेश के अंदर हमारे पास इसके प्रस्ताव विचाराधीन है, और इस दिशा में मैं आज आप सबका आह्वान करूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जिन बातों को लेकर के यहाँ पर अभी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हमारे चेयरमैन
श्री पटेल जी ने जो बातें यहां पर कही है, हम लोग राज्य के अंदर अपने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके, हम लोग वर्तमान में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने का कार्य कर रहे हैं, और ये बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध कराए। 20 लाख यूथ को अब तक हम लोग इसके माध्यम से जोड़ चुके हैं, 2 करोड़ यूथ तक हम लोग पहुंच रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इस दिशा में हमारे कार्य को और आसान करता है, जो इस फील्ड में R&D की जो संभावनाएं हैं और घरेलू मार्केट पर अपनी मजबूत पकड़ करने के साथ साथ वैश्विक मंच पर छाने का एक अवसर जो आप सबके सामने आ रहा है, हम इन सब पर कार्य कर सकेंगे इस विश्वास के साथ। नेशनल सेमिनार में आप सब ने काशी की धरती को चुना और यहां पर उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए एक बार फिर से आप सबका हृदय से यहां पर अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर अवधेश सिंह जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस नेशनल सेमिनार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के फार्मा सेक्टर को एक नई उड़ान देने का एक मंच प्रदान किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका ये फार्मेसी कॉलेज और ये इंस्टीट्यूट इस दिशा में एक नई पहल का केंद्र बिंदु बना है, और निश्चित ही काशी से निकली हुई कोई भी पहल कुछ न कुछ नया करके दिखाएगा, उत्तर प्रदेश फार्मा का और इस फील्ड का एक बड़ा केंद्र बनकर के उभरेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्य अतिथि महोदय।